Hello everyone and welcome to Rupinder's online classes and courses. Today we are going to discuss first chapter that is prescribed in BA 1 semester 1 elective English under Punjab University. Name of the book is Fluency in English and this is chapter number 1. Inzi lets things flow over him. So without any more delay, let's begin with. It is going to be a very interesting topic and chapter for you because it is going to tell you about the real life heroes, if not of India, from some other country. Let's see which country we are going to deal with in this chapter. So this chapter is going to be loved by, liked by all the people who are lovers of the cricket. So chapter 1, Inzi lets things flow over him, written by Gandhambari Murali. And I'm sure all those people who are associated with cricket, they know who Inzi is. So what are the contents of the chapter? What the chapter is all about? This chapter is about Pakistani cricketer Inzamam ul Haq. So this lesson tells us the story of two men. One is Ghulam Mujtaba and other one is Inzamam ul Haq. Ghulam Mujtaba and Inzamam ul Haq, they had been friends when they were quite young. They had been friends since childhood. Dono friends hain Inzamam ul Haq aur unke best friend ki yahan baat hone wali hai is chapter mein. Mujtaba kaun hai? Wo ek barber ke son hai. His father cuts the hair. तो एक हेयर ड्रेसर अगर आप इनको बोले तो उनके बेटे हैं वो. इंजमाम उल हक इज वन ऑफ पाकिस्तान ग्रेट प्लेयर्स. सो दे बोथ बिलोंग टू द सिटी ऑफ मुल्तान इन पाकिस्तान. मुजतबा वर्क्स इन हिज फादर्स बाबर शॉप. एज यंगस्टर्स बोथ वर फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड टॉकिंग. दोनों को खेलना, बोलना, बातें करना, खाना पीना बहुत पसंद था. दे यूज टू गो टू द क्रिकेट ग्राउंड अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर प्रैक्टिस. और दोनों बचपन में ही फ्रेंड्स बन गए थे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो आज तक फ्रेंड्स हैं. सो देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ यंग इंजी. व्हाट वाज दैट लर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट? ही वाज पिक्ड अप बाय इमरान खान. यस, ही वाज द देन क्रिकेट कैप्टन, कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, हु डिटेक्टेड टैलेंट इन इंजमाम. उन्होंने इंजमाम में एक टैलेंट देखा ड्यूरिंग सम टैलेंट हंट. तो उन्होंने इंजमाम उल हक को इनवाइट किया लाहौर का क्लब को ज्वाइन करने के लिए. आप ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसे जौहरी थे जिन्होंने उस हीरे की पहचान की और उसकी तराश, उसको तराशने का काम अब शुरू होने वाला था. सो इंजमाम वॉज इन्वाइटेड टू लाहौर एंड ही ज्वाइंड लाहौर क्लब देयर. So he had to part with his friends and his home too. That was at Multan and he went to Lahore. So this was the turning point in the life of Inzamam ul Haq. He demonstrated ka matlab, he showed his talent in cricket. Unhone apna zohar dikhaya cricket mein, unhone apni kabiliyat dikhai. And his brilliant performance on playground secured his position in park team. Itni achhi tarike se wo khele. उन्होंने क्रिकेट में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस की के बलबूते पाकिस्तान की जो नेशनल क्रिकेट टीम थी उसमें अपनी जगह बना दी. ही प्लेड अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल्स कमिंग स्ट्रेट ऑफ द ट्रिप. जब 1992 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेल रहा था तो न्यूजीलैंड की टीम के साथ सेमीफाइनल मैच में इंजमाम उल हक डायरेक्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए थे. उनको ट्रिप लगी हुई थी. स्ट्रेट ही केम ऑफ द ट्रिप, दैट इज व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर हिम, स्ट्रेट ऑफ द ट्रिप. एंड ही प्लेड अ मैच विनिंग गेम. ही प्रूव्ड हिज मेटल, इट मींस उन्होंने अपना लोहा मनवा दिया. एंड पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप इन 1992. दस ही बिकेम अ नेशनल हीरो फॉर पाकिस्तान. Though he gained name, fame, prosperity, wealth, everything, but he remained a true friend. How?
जब चैप्टर शुरू भी होता है तो चैप्टर की शुरुआत में हम क्या देखते हैं, देयर इज अ मैन हु इज यू नो लुकिंग फॉर अ परफेक्ट प्लेस टू हैंग अ पोस्टर. दैट इज द पोस्टर, दैट इज अ बैनर दैट इज कैरिंग पिक्चर ऑफ इंजमाम उल हक और वहां पे लिखा हुआ वेलकमिंग इंजमाम होम. और वो सबसे चेक करवा रहे हैं कि ये ठीक लिखा हुआ है. आई जस्ट वॉन्ट द वेलकम टू बी परफेक्ट. हु इज ही इज गुलाम मुजतबा, उनके फ्रेंड. So the whole city of Multan came to welcome Inzi at the airport. यहाँ से जो chapter है वो शुरू होता है. Though Mujtaba was his friend, he did not go to the airport. वो airport नहीं जाते क्योंकि उनको ये नहीं surety कि वो अपने friend की इस नई शानो शौकत वाली life में fit होंगे कि नहीं होंगे. He was not sure that he would fit into the life of his old friend turned a superstar or not. He was not sure. He was not even sure if Inzi would recognize him. तो लग रहा था कि शायद इंजमाम बदल ना गए हों, वो ना पहचाने. तो ये सारी डाउट्स जो हैं, ये थे गुलाम मुजतबा के माइंड में. But when the motor car carrying इंजमाम passed by Mujtaba's shop, तो everybody was surprised, even Mujtaba was surprised, the star got down to embrace his old friend. वो मोटर कैब जा रहा था, एक पूरा काफिला जा रहा था गाड़ियों का, मोटरसाइकिल्स का, इंजमाम को वेलकम करते हुए मुल्तान की सड़कों से लेके जा रहा था. तो उस टाइम पे इंजमाम उल हक को वेलकम करने के लिए तैयार तो थे, दिल से तो वेलकम था, लेकिन डर रहे थे गुलाम मुजतबा कि वो अपने फ्रेंड के पास जाएं कि ना जाएं. लेकिन उनको सरप्राइज दिया उनके फ्रेंड ने और वो अपने मोटर कैब से नीचे उतरे और उनको अपने फ्रेंड को साथ लेके बाकी की सारी प्रोसेशन में, सारी जर्नी में उन्होंने अपने फ्रेंड को अपने साथ रखा. सो फेम एंड मनी हैव फेल्ड टू चेंज इंजमाम उल हक. तो नेम, फेम, ये सारी चीजों ने उनकी फ्रेंडशिप के ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं डाला. सो देन दो वी नो दैट इंजमाम उल हक हैड बीन ऑफ वेरी काम नेचर, बट यहाँ पे चैप्टर में मेंशन किया गया जो गुलाम मुजतबा अपने मुंह से बता रहे हैं कि देर आर टाइम्स वेन ही reacts. Now, how he has started reacting? It is mentioned in the article that Inzamam has started reacting against the charge of match fixing. It has hurt him. He has become short-tempered and quick to response because of all these allegations. ये जो इल्जाम match fixing के लगे हैं, captaincy का जो added responsibility है, इन चीजों की वजह से उन्होंने react करना शुरू कर दिया है. The cricket star has fallen from grace because the charges of match fixing if we are talking of charges, we should use here have, so this is a mistake. So the charges of, see, this is how you can find out your own mistakes. So charges of match fixing, because we are not talking of a charge, we are talking of charges, so we would use here have. Tarnished his image, जो उनकी इमेज है वो tarnish हो गई है, उस पर धब्बा लग गया है. तो that is the reason why he has started reacting. But he remains unaffected, तो वो unaffected रहते हैं by criticism or praise. He is a very calm and poised natured person, वो ज़्यादा react नहीं करते. He has developed a tendency to just let things flow over him, and this is the expression that has given this chapter the title. Inzi lets things flow over him. वो चीजों को सर से flow होने देते. It means he doesn't react much. He doesn't let the things strike here. कि उनके दिमाग में या दिल पे वो बातें बैठ जाएं. So he let them pass by. His son Ehtisham wants to be a cricketer when he grows up. So that is the ambition of his son too. He wants to be a famous cricketer like his father. Nobody would be more happy than Mujtaba, who's like a family to Inzamam ul Haq. तो कोई भी इंजमाम उल हक के अगर बेटा उन्हीं की तरह एक क्रिकेट आइकन बनता है तो गुलाम मुजतबा के से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, बिकॉज ही इज अ फैमिली टू हिम. बोथ ऑफ देम आर रियली क्लोज फ्रेंड्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इडियम्स एंड फ्रेजेस दैट आर मेंशनड इन द चैप्टर, एंड दे आर वेरी गुड एज फार एज योर वोकैबुलरी इज कंसर्न. एंड देयर इज गोइंग टू बी वन क्वेश्चन एट द एंड ऑफ योर क्वेश्चन पेपर wherein you are supposed to use these idioms and phrases in sentences. So one first is icon. Icon hum kisko kehte hain? Jo insaan bahut zyada praiseworthy hote hain, jo
इंस्पायरिंग फिगर्स होती हैं, रोल मॉडल्स होते हैं, हम उनको आइकन्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लता मंगेशकर इज एन आइकन फॉर लवर्स ऑफ म्यूजिक. सिमिलरली स्टेटस का मतलब क्या है? स्टेटस पोजिशन होता है, ही हैज अ गुड स्टेटस इन सोसाइटी. प्रायोरिटी का मतलब होता है आप किसको पहल देते हो, किसको तवज्जो देते हो. सो दिस केस मस्ट बी सॉल्व ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस. या हम ये कह सकते हैं, फॉर मी एजुकेशन इज अ प्रायोरिटी, फॉर मी माई चिल्ड्रन आर अ प्रायोरिटी. तो प्रायोरिटी इज जिसको आप प्राइम इंपॉर्टेंस देते हो. सो देन बैनर, बैनर इज समथिंग दैट पीपल कैरी इन देयर हैंड्स. एक ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर आप कुछ लिख लेते हो, और द बिग होर्डिंग्स, उनको भी हम बैनर्स बोलते हैं. तो हो सकता है आप अगर किसी मैच में जाएं, आप उस मैच में किसी टीम को करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, यू कैरी अ बैनर और आप ऐसे करते हो कि ये जीते. दैट्स अ बैनर. इट इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड अ फ्लैग. देन अपोलोजेटिकली मीन्स माफी मांगते हुए, टू सीक एन अपोलॉजी, या बहुत ही ऐसे ही माफी मांगते हुए अगर आप कुछ कहते हो. ही मर्मर्ड अपोलोजेटिकली दैट ही वाज सॉरी फॉर बीइंग लेट. उसने माफी मांगते हुए ये रियलाइज किया, ये मुंह में बोला, मर्मर किया कि वो लेट आने के लिए माफी चाहता था. पेनस्टेकिंगली का मतलब होता है जब आप बहुत सारी एफर्ट्स डालते हो. सो मुज्तबा वॉज पेनस्टेकिंगली लुकिंग फॉर अ परफेक्ट प्लेस फॉर द पिक्चर ऑफ इंजमामुल हक. Then next word is tradition. Tradition ka matlab hota hai old customs. So we should always respect the old traditions. Then skipper. Skipper ka matlab hai captain. You can say Virat Kohli is the skipper of Indian cricket team. Similarly, when when Inzamam ul Haq used to play in the cricket ground, he was picked up in the talent hunt by Imran Khan, who was the then cricket captain of Pakistani team, and who is at present, he is the prime minister of Pakistan, Imran Khan. So some more phrases and idioms. First is hangout. Aam word hai youngsters ke liye. Hangout ka matlab visit karna. So he was fond of hanging out at his friend's place. Hum kya dete hain, we love hanging out with our friends. Spiritual is religious. तो इंजमामुल हक के फादर जो हैं, उनका नाम वो पीर थे, मॉस्क में नमाज अदा करते थे, और बड़ी बार उनको हैरानी होती थी कि कैसे सुबह सबसे पहले पहली नमाज के लिए मुज्तबा और इंजमा पहुंच गए हैं. और उनको ये सीक्रेट नहीं पता होता था कि कई बार वो पूरी रात नहीं सोते थे, रात को ऑमलेट्स बना के, रोटियां बना के दोनों फ्रेंड्स बातें करते थे और खाते रहते थे, और सुबह की फर्स्ट जो नमाज होती है उसके लिए वो सबसे पहले पहुंच जाते थे. सो हिज फादर वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर इन मुल्तान. Then gone far ahead, बहुत आगे जाना लाइफ में. So he has gone far ahead in his life, although he had a very humble origin. काफी नॉर्मल सी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, काफी हम्बल ओरिजिन है उनका, फिर भी वो जिंदगी में बहुत मेहनत करके काफी आगे चले गए. Incredible, incredible is this is unbelievable. So incredible can be anything. India is an incredible country. Your performance was incredible. कि ये विश्वास से भी परे है, it's unbelievable. Off the drip, ये हमने पहले भी phrase use करा है. It means when you are removed from the liquid food given in the hospital. जब आपको drip उतर जाती है आपकी. So he was put off the drip. उसकी drip उतार दी गई. In full strength, it means strength का अदर मतलब otherwise मतलब जोर होता है. यहाँ पे strength का मतलब है large number. So people came out of their homes in full strength. It means in large number to welcome their hero. Next is hit it off. As soon as they came to know each other, they began to hit it off immediately. It means to develop a very warm bond with somebody. तो जैसे ही गुलाम मुज्तबा और इंजमामुल हक अपने बड़े भाई के थ्रू मिले, इन दोनों ने एकदम से they developed a deep warm bond. Heartbreak, heartbreak का मतलब है दिल टूट जाना, sadness. There is always some heartbreak when you have to part with your friends. For example, in the recent times we have seen that the untimely demise of Siddharth Shukla has given a, you can say, sudden heartbreak to Shahnaz and all to his fans. So that had been really sad, I must say. But these are the ways of God. We cannot help anything.
सो सम अदर इडियम्स एंड फ्रेजेस, दिस इज इम्पोज. इम्पोज का मतलब होता है किसी के ऊपर कुछ थोप देना. मुजतबा नेवर वॉन्टेड टू इम्पोज हिमसेल्फ ऑन इंजमाम. सो आई डू नॉट वॉन्ट टू इम्पोज माई सेल्फ ऑन हिम. तो अपने आप को किसी पे ना थोपना. नमाज इज अ मुस्लिम प्रेयर. सो दिस इज जस्ट जैसे हम कहते हैं कि आरती कर ली, अरदास कर ली. सो नमाज इज वन ऑफ दैट जेस्चर दैट मुस्लिम्स दे एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ गॉड. सो ही हैज गॉन टू द मॉस्क टू ऑफर द फर्स्ट नमाज. देन लेड बैक, इट मीन्स टू रिलैक्स आफ्टर हिज डिफीट इन द इलेक्शंस. इलेक्शन ही सीम्स टू बी लेड बैक. अबी वो ही इज नॉट वरिंग मच अबाउट, ही इज रिलैक्सिंग. एक बार हार गए तो अभी ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, तो ही इज जस्ट रिलैक्सिंग. मैच फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग मैंने पहले भी ये वर्ड यूज करा है. इट मीन्स टू फिक्स अ मैच दैट आई विल बी आउट ऑन दिस स्कोर एंड यू हैव टू पे मी दिस अमाउंट, दैट्स कॉल्ड मैच फिक्सिंग. सो थोड़े अनफेयर मीन्स हैं ये यूज करने. ही वॉज चार्ज्ड विथ मैच फिक्सिंग. तो आई होप द मीनिंग इज क्लियर. देन टेंडेंसी, टेंडेंसी होती है इंक्लिनेशन की, उस बंदे की टेंडेंसी ऐसी है. सो अ लेजी मैन हैज अ टेंडेंसी टू शॉक वर्क. तो जो लेजी बंदा है वो तो काम से जी चुराएगा ही. शॉक वर्क का मतलब होता है काम से जी चुराना. अगर आपने कहना है कि काम से जी ना चुराओ, मन ना चुराओ, मन लगा के काम करो, या अगर आपने सिंपल यही कहना है कि जी ना चुराओ, हम कहेंगे डू नॉट शॉक वर्क. देन मोटर कैड, दिस इज अ प्रोसेशन ऑफ मोटर्स एंड कार्स. सो मोटर कैड में एक प्रोसेशन है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां जाती हैं. आप मेन हीरो को ओपन रूफ वाली एक गाड़ी में खड़ा कर देते हैं, उनको बहुत सारे हार पहनाए जाते हैं और वो बहुत सबको वेव करते जाते हैं अपने फैंस को. नेक्स्ट इज कैनवॉय. कैनवॉय का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ कार्स, ऐसे काफिला चल के जाता है. सो द कैनवॉय ऑफ कार्स स्टॉप्ड एट हिज गेट. देन अटायर्ड, और अगर सिर्फ वर्ड अटायर है, अटायर, कॉस्ट्यूम, आउटफिट, इन सब का मतलब होता है कपड़े पहनना. आपकी जो ड्रेसेस होती हैं, ड्रेसेस, अटायर्स, कॉस्ट्यूम्स. और अटायर्ड मीन्स ड्रेस्ड. ही वॉज अटायर्ड इन स्मार्ट क्लोथ्स, उसने स्मार्ट कपड़े पहने हुए थे. सो दिस इज लास्ट स्लाइड ऑफ द वीडियो एंड हियर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर एसोसिएटेड विद दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड दैट हु इज इंजमाम एंड हु इज मुजतबा, हु आर बोथ ऑफ देम, राइट? एंड कमेंट ऑन देयर फ्रेंडशिप टू. सो देयर फ्रेंडशिप इज मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड. And name, fame, money, prosperity, nothing has come in the way of their friendship. They are very close friends and they are very true to each other too. Inzamam is not carried away by the pomp and glitz and glam of his glamorous cricket world. How did he help Pakistani team to win World Cup in 1992? So uski match winning performance jo hai unki uske bare mein baat karni hai, that he came straight off the drip and he played a match winning game. He gave a tough fight to the New Zealand team. What are his personality traits? He's down to earth. He's a true friend. And then you would comment, you will add their friendship. And then in the end, you would say that he is of very calm nature. But the charges of match fixing and the additional responsibility of the captaincy has compelled him to react now and then. Then there is a last question, very important question related with this chapter, that what do you learn from this chapter? Aap is chapter se kya seekhte ho? That we should always be very true to our friends. Agar hum un logon ko us time pe chhod dein jo hamare low time pe hamare saath the, to we are not good human beings. Agar aapke low time pe koi aapke saath tha, to aapke high time pe aapko unko yaad rakhna chahiye, that they had played a very important role in my polishing, in my life. And that's it. This is a life lesson too, which we are learning from this chapter. And I hope you must have understood whatever I have taught. And with the promise that very soon I'll see you all with another chapter from your general and elective English course books, I take leave of you. Take care. Have a nice time. Bye-bye.